when the fever's gone. Hello guys, welcome you. And हम लोग ने अभी तक GLP का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. आज रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं. पार्टनर का रिटायरमेंट होना है. यहाँ पे आपको चार टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. सबसे पहला तो भैया रिज़र्व, गुडविल, ठीक है, एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस. जो भी पास में पड़ा होगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर के खाते में, ठीक है. जो मैं बात कर रहा हूँ सीधे सीधे एडजस्टमेंट की, क्या होना चाहिए भाई. रिटायरमेंट हो रहा तो जितना भी ओल्ड रिजर्व है, गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो बट जाएगा पार्टनर में. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में और उस बंदे का हक बनता है उसके ऊपर. नेक्स्ट, आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तो खोल के आ ही चुके हो काफ़ी दिनों से, आपको पता होगा, एडमिशन में भी आपने पढ़ा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर हो सकता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने को कह दें. दोनों अकाउंट में डिफरेंस मैं फिर एक बार याद दिला दूं. रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि बैलेंस शीट में वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है, जबकि मेमोरेंडम में क्या होता है कि हमें वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करनी होती है. इसीलिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रिवर्स कर देते हैं और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, इसमें ओल्ड में बटेगा, फिर एंट्रीज रिवर्स होंगी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा. आई एम अज्यूमिंग इट कि आप एडमिशन पढ़ के रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रिटायरमेंट पढ़ोगे तो ये तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि क्लास से पहले ही बाहर निकाल दिए गए, एडमिशन करने की तो बात ही नहीं हुई, ठीक है. तो आई एम अज्यूमिंग इट कि आप रिटायरमेंट पढ़ चुके हो, एडमिशन पढ़ चुके हो, उसके बाद आप इसको पढ़ रहे हो. उसके बाद एक सर पॉइंट होता है गुडविल वैल्यूएशन का, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है. ये गुडविल कुछ और थी, ये अगर बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो, और यहाँ पे क्या है, अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी है, वैल्यू करनी है आपको, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा, जो पुराने मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी वही गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा. कौन गेन करने वाला है, हमारे जो बचे हुए पार्टनर है. कौन सेक्रीफाइस करने वाला है, जो रिटायर होने वाला है, ठीक है. और इन द लास्ट वन इज़ कि भैया जो भी आपका कह लीजिए एक नया रेशियो जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. मेन चीज़ क्या है, रेशियो. वैसे मैं रिवर्स चलाऊँ, ठीक है, दिस कैन बी अ फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है. दिस इज रिवर्स. अगर प्रोसेस किया जाए, पहले रेशियो कैलकुलेट करना, गुडविल का वैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और बाद में रिजर्व वगैरह ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स के अकाउंट में, वो सारी चीज अमाउंट्स हो जाएंगे, ठीक है. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भैया रिटायरमेंट होता भी कब क्यों है. रिटायरमेंट सिंपल सी बात है, कुछ इलनेस हो गई या कोई और हो गया या टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो उस केस में हम लोग पार्टनर की रिटायरमेंट का बेसिकली क्लॉज आता है. अब यहाँ पर होगा आपको रेशियोज़ कैलकुलेट करने होंगे, विच इज़ नोन एज गेनिंग रेशियो, ठीक है. क्यों? क्योंकि तो आपको भी पता, हमको भी पता, भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए नहीं कैलकुलेट होगा, ये सेक्रीफाइस तो वही करेगा जो रिटायर हो रहा होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही बंदा रिटायर होता है, ठीक है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना यहाँ पे मेन इशू नहीं है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो. तो अगर आपको याद हो तो जो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, हम लोग फॉर्मूला लगाते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला हम लगाते थे. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ओके. और सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, भैया आपका पुराना रेशियो को हम नए रेशियो से माइनस कर रहे हैं. अगर बैलेंस नेगेटिव में आया, थोड़ा सा दिमाग लगाना बुद्धिमानों, अगर नेगेटिव में आया तो व्हाट इट इज, इट इज अ गेन और इट इज अ लॉस, जस्ट टेल मी व्हाट इट इज. इट विल बी अब सिंपल सा देखो, चलो छोड़ो, मैं लॉजिकल एक चीज़ बता दूं, आपको परेशान होगी. सीधी सी बात है भैया, ओल्ड रेशियो था, ठीक है, ओल्ड से अगर आप न्यू को माइनस करो, तो अगर ओल्ड ज़्यादा था, मान लेते हैं ओल्ड था 5, ठीक है, मैं फ्रैक्शन फिगर नहीं ले रहा हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, एंड न्यू फिगर मान लेते हैं 5, ठीक है. तो हुआ क्या भैया, पुराने में आपको 5 मिलता था, नए में आपको 4 ही मिल रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा, तो इसका मतलब इट कैन बी अ सेक्रीफाइस, ठीक है. अगर ये करने पे आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस है, और अगर पॉजिटिव आ रहा मतलब पहले 4 मिलता था अब 5 मिल रहा है, ठीक है. ये क्या है, ये आपका बेसिकली न्यू ओल्ड से मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है. ओल्ड पहले 4 था, अब कितना है 5, तो 1, ये गेन हो गया, और यहाँ माइनस मतलब लॉस हो गया, ठीक है. यहाँ पे एकदम सिंपल चलेगा, ठीक है, तो समझ में आ गया. लेकिन याद रखना इसमें ये वाला कैलकुलेशन होगा, अगर ओल्ड माइनस न्यू में रिवर्स हो जाता है ये, ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ओल्ड माइनस न्यू में रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड में अगर माइनस आया तो सेक्रीफाइस, प्लस आया तो गेन, बिल्कुल नॉर्मली जैसे चलता है कि भाई सीधी सी बात है, ठीक है. अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आप रेशियो कैलकुलेट करने में तो खैर आपको दिक्कत नहीं होगी, पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो हम लोग चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया अगर कोई न्यू पार्टनर है, ठीक है, तो न्यू रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे. न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में पहला केस तो ये हो सकता है सर आपका कि कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. मान लेते हैं पार्टनर थे आपके ABC, ठीक है, जिनका रेशियो था 3:2:1, ठीक है. अब आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है, मान लीजिए ए रिटायर हो रहा है, ठीक है. मैं तीनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट में, ए में ए रिटायर हो रहा है, बी में बी और सी में सी, नेम वाइज चल रहा है, यहाँ पर ए रिटायर हो रहे हैं, यहाँ पर बी रिटायर हो रहे हैं, यहाँ पर सी रिटायर हो रहे हैं। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो वैसे ही सिंपल रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, भैया ए रिटायर हो रहा है तो 2:1 का रेशियो बचेगा, बी रिटायर हो रहा है तो 3:1 का रेशियो बचेगा, और सी रिटायर हो रहा है तो कितना रेशियो बचेगा, 3:2 का। सिंपल रेशियो के बेस चलेगा जितना जो रेशियो है, ठीक है। ये तो एक सिंपल केस हो गया। दूसरे केस की बात करते हैं, केस टू लेते हैं। तीन पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर थे। ए बी सी तीन पार्टनर में से क्या हुआ कि भैया ए ने कहा कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली ऊपर वाले में क्या था, आपने सिंपली कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा रेशियो दे रखा था, बोला ये रिटायर हो गया और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बंदे का शेयर हटा दो, बाकी रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लो। पर यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी थे, ए रिटायर हो गए, अब क्या हुआ, बी और सी ने कहा, मान लेते हैं उनका जो पुराना रेशियो था, ठीक है, ओल्ड रेशियो था 3:2:1, वही पुराना वाला लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 3:2:1 मतलब 3 इनका 2 इनका 1 इनका, ठीक है। अब ए रिटायर हो गया मतलब ये गया। अब इसमें बी और सी ने कहा कि ऐसा करते हैं भैया, हम ले लेंगे 2/6 इनका और आप ले लीजिए 1/6 इनका, किनका, जो ए शेयर छोड़ के गए इसमें से 2/6 हम ले लेंगे, 1/6 आप ले लो। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा। क्या कह रहा भैया, दिमाग मत लगाइए, मतलब दिमाग लगाना है, पर मतलब इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल से उसने बता दिया कि भाई 2/6 वो लेगा, 1/6 ही लेगा। अगर आप इसको पहली बार तो ऐड करेंगे ना, तो देखिएगा सिंपली ये 1/ अपने आप 1/3 आ जाएगा, जो इसका एक्चुअल में रेशियो था, ये 3/6 था ये भी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाता, ठीक है, वेट आई एम सॉरी, इट्स 2 1/2, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते तो कितना आ जाता, 1/2। तो सिंपल भैया, अब क्या हुआ, बी और सी की बात कर रहे हैं, तो भैया बी और सी को 2/6 देना है ए और बी के रेशियो में, ठीक है। ए के रेशियो से निकाल के, तो सिंपल सा, उनका जो ओल्ड रेशियो था कितना था, उनका ओल्ड रेशियो कितना था, ए का भी 2/6 था और बी का ओल्ड रेशियो, देखिए ये 3:2:1 की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे की 2/6 ये ओल्ड रेशियो था, ठीक है, और 1/6, और नया उनको कितना मिलने वाला है, सेम 2/6 वो ले रहा है, और ये कितना ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 1/6। इसको ऐड ऑन जब आप कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/6, ठीक है। ये दोनों आप ऐड ऑन जब करेंगे, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप फेयरली कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2/6 1/6 इसको ऐड करेंगे जब 2/6 2/6 को, तो भैया बी और सी का नया रेशियो आ जाएगा 4/6 और सी का आ जाएगा 2/6। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा आपका 2/3 और इसका आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये सिंपली आ गया एक ऐसा मेथड जिसमें आप क्या कर रहे हो, सिंपली कि भैया हम ये चीज़ें कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रेशियो, अगर दोनों रेशियो अपने आप में बांटने को तैयार हो जाते हैं। अब अगर इसी पॉइंट में मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं सर, तो थर्ड केस ये बन जाएगा कि मान लेते हैं पार्टनर वही थे 3:2:1 के रेशियो में, और जो है वो हमारे ए बी और सी थे, ए बोले हम जा रहे हैं, ठीक है, बाकी इनका निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, तो बोले ठीक है हम जा रहे हैं तो जाओ। अब लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने कहा ऐसा करते हैं यार, बी और सी ने कहा कि यार ये जा रहा है, इसके रेशियो को 2:1 के रेशियो में हम लोग बांट लेते हैं अपने में, ठीक है। तो 2:1 के रेशियो मतलब इसका रेशियो था कितना, पहले ज़रा कैलकुलेट करो, 3/6 था, 3/6 मतलब 1/2 था, 1/2 में से 2:1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 कौन ले लेगा, कौन ले लेगा, बी ले लेगा, और 1/2, ठीक है, इसका कितना 1/2 मतलब 1/2 यही है सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। ये किसका रेशियो था, ये ए का रेशियो था, ठीक है। तो ए के रेशियो में से 1/3 तो ये ले लेंगे, ठीक है, 2/3, ठीक है, ये 2/3 था, ठीक है, एंड ये 1/3 ये ले लेंगे, मतलब रेशियो कितना होगा, ये सी ले लेंगे 2:1 के रेशियो में। मतलब इन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसका जो रेशियो गया ना वो सेक्रीफाइस करके उसको 2:1 के रेशियो में बांट लेते हैं, मतलब दो तू रख ले, दो मैं रख लेता हूँ, एक तिहाई तू रख ले, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका फिगर भाई, 3 × 6 = 3, और ये कितना आ जाएगा, 6 × 1, ठीक है। डोंट गेट स्टक इन टू द फिगर, अगर सिंपल सा चलो मैं बात कर लेता हूँ बिना सिंपल, 3:1 के रेशियो में नया आपका रेशियो तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद कि भैया ये जो रेशियो आपका आ चुका है, ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका एक और आ सकता है। अब ये आपका एक मिनट, मैं 3:1 वाले में ये चीज़ कहना भूल गया, 3:1 तो इनका क्या हो गया, 3:1 नहीं, 3/6 1/6 इनका हो गया गेन, जो इन्हें मिला इसके रेशियो से, ठीक है, इतना तो इन्हें मिल गया। और ऑलरेडी इनके पास कितना था, ठीक है, ऑलरेडी कितना था, रिटायर कौन हो रहा, हम जा रहे हैं, कौन जा रहा है, ए जा रहा है, 2/6 बी के पास ऑलरेडी था, और सी के पास कितना था, 1/6। तो ये शेयर इनके में और ऐड हो जाएगा जो इन्हें अभी मिला है। सिंपल सा समझ में आया कि नहीं आया, मैं अभी समझाता हूँ, अगर ऊपर से जा रहा है तो, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात भाई, 2/6 इसको सेम ही रखते हैं तभी रेशियो कॉमन आने वाला है।
कितना 5:2 का। अब हुआ क्या, देखिए 3:2:1 का रेशियो था। ए ने कहा हम जा रहे हैं, बी ने कहा ऐसा, बी और सी ने कहा ऐसा करते हैं यार, ए का जो अभी रेशियो है ना, ए का कितना हुआ 3:6 मैंने सिंप्लीफाई करके 1:2 किया। ऐसा करते हैं जो इसका 1:2 का जो रेशियो ना है, ये अपने 2:1 में अपने आप में बांट लेते हैं। तो इस हाफ का 2/3 ये ले गया और इस हाफ का 1/3 ये ले गया। तो भैया ये तो ये लोग ले गए किससे, ये तो इससे किससे ले गए, ए से ले गए। लेकिन अब इनके पास जो ऑलरेडी बचा हुआ है उसमें तो ये शेयर जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये ए से पाया हुआ शेयर, ये इनका ओल्ड शेयर, जब आप इसको ऐड करोगे, बहुत इजी सा है, जब आप इसको ऐड करोगे तभी तो आप इनका नया रेशियो निकाल पाओगे। आया ना समझ में? मतलब हुआ क्या, दिस इज द गेनिंग बट दे गेट, दिस इज द ओल्ड रेशियो बट दे हैड 2:6 and 1:6, क्योंकि ए तो रहा नहीं, और ये हो गया इनका न्यू रेशियो 5:2। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कुछ चलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो अभी फटाफट एक केस देख लेते हैं कि भैया हमारा एक केस हो गया, मान लेते हैं ए बी सी तीन पार्टनर थे, ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 1:2, 3:10 and 1:5 के रेशियो में चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है, इट्स 1:2, 3:10, 1:5 के रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से बी बोला हम जा रहे हैं, ठीक है, बट टाइम नहीं तुम लोगों के साथ बिजनेस करने का, हम जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि भैया मान लेते हैं अब ये चले गए, अब बचे कौन, सिर्फ ए और सी बचे। ए और सी ने कहा यार ऐसा करते हैं 3:2 के रेशियो में बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। अब हमें बेसिकली क्या निकालना, हमें गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू प्रॉफिट रेशियो जो निकालते हो मैंने निकालना आपके ऊपर बता दिया कि भैया ओल्ड प्लस जो गेनिंग वो कर रहे हैं उसको अगर आप जोड़ देंगे, ये ऊपर जो मैंने बताया था ओल्ड प्लस गेनिंग जो कर रहे हैं वो आप जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि अगर कोई चला गया तो हमें पता करना हमें गेन कितना हुआ, क्यों, क्योंकि हो सकता है उसको गुडविल देनी पड़े, कुछ उसको रिजर्व का पेमेंट करना, जो भी मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ का उसे पेमेंट करना पड़े। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा गेन कितना है और उसका सैक्रिफाइस कितना है। उसका सैक्रिफाइस तो सिंपल जो उसका रेशियो होगा यानी 3:10, ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारा गेन कितना होगा। तो हमारा गेन कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, प्लीज़ ये फॉर्मूला रिटेन रखिएगा, गेनिंग के पर्पज से ये फॉर्मूला है, इट इज़ फॉर गेनिंग नॉट फॉर सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस का ओल्ड माइनस न्यू है। अब न्यू रेशियो आपका कितना बन गया, न्यू रेशियो आपका बन गया है ए का है 3:5, बी का है 2:5, ठीक है। अब ओल्ड कितना था आपका, ओल्ड रेशियो भैया आपका था 1:2, इनका था 1:5, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे सिंपली तो इट्स 1:10 और ये आ जाएगा 2:10। तो मतलब कहने का गेन कितना हो गया आपका भैया, गेन कितना हो गया 1:2 का आपने गेन कर लिया। प्लीज़ मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका एलसीएम निकालना आता है, इट्स नॉट वेरी टफ, 5 2 10, ठीक है, एंड व्हेन यू हैव टू रिमेनिंग 2 3 6 देन 2 5 6 -5 1। और मैंने साफ बोल रखा हुआ पहले भी आपको बता रखा है कि अगर प्लस साइन आया तो मतलब गेन है, माइनस साइन आया तो मतलब लॉस है। सिर्फ किस केस में, गेनिंग के केस में, जबकि लॉस के केस में कुछ अलग होता है, सेक्रीफाइस के केस में रिवर्स साइन चलता है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या हुआ, मान लेते हैं सेम था भैया, ए बी सी तीन लोग थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:3, 1:6, 1:3 के रेशियो में, ठीक है, 1:3, 1:6, 1:3 के रेशियो में। अब क्या हुआ कि यहाँ पर या तो फिर ऐसा करते हैं, चलिए एक पार्टनर और बढ़ा लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक पार्टनर आपका और बढ़ा लेते हैं, चलिए ए बी सी डी एक और पार्टनर बढ़ा लेते हैं और उसको हम दे देते हैं 1:6, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लेते हैं बी ने कहा हम जा रहे, ठीक, आई एम गोइंग रिटायर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जाने को बोलते हैं, अब बचा कौन भैया, हमारे बचे ए सी डी, ठीक है, ए सी डी बचे हमारे प्यारे, ठीक है, ए सी डी। अब ए सी डी के साथ आपको क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं उन्होंने फ्यूचर में ये कहा कि भैया हम लोग ऐसा है, जान दो इसको, अब हम लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो हमारा न्यू क्या होगा वो होगा इक्वल, नो दुश्मनी नो यारी, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू बी इक्वल। तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा, भैया तुम 1:3 लो, तुम 1:3 लो, तुम 1:3 लो, इक्वली का मतलब समझ, कि तीन पार्टनर थे ए बी सी जिनका रेशियो इतना था 25:15:9, बी ने कहा हम रिटायर हो जाते हैं, बोले कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, ए और सी ने कहा कि यार ऐसा करते हैं जो रेशियो रखते हैं, ठीक है, वो ऐसा रखते हैं जो बी और सी का था, मतलब समझे, यहाँ अब बचे कितने, पहले तो इस बात कर, ए और सी बचे, ठीक है, ए और सी ने कहा कि रेशियो रखते हैं बी और सी का जैसे था, मतलब आपका सी जी आपका और जो बी चला गया उसका जो रेशियो था यानी 15:9 वो रेशियो रखते हैं। तो कुछ नहीं करना, 5:3 का रेशियो रखना पड़ेगा। तो भाई न्यू रेशियो कितना हो गया, 5:8, 3:8, ओल्ड रेशियो कितना था 25 और 9, 25/49, 9/49। अब आप ऐसा करिए, न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे तो आपको कितना निकल आएगा, दिस विल बी द गेन, ये क्या निकला आपका, जो आपका गेन था वो निकल आया, ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें टक्करम। बस क्या हुआ, ए और सी ने कहा कि अब हम ये 15:9 वाला रेशियो रखेंगे जैसा बी और सी रखते थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट जिसमें ए बी सी तीन पार्टनर थे, ठीक है, अब इनका रेशियो 4:9, 1:3, 2:9 था, ठीक है। अब हुआ ये कि भैया बी जो था यहाँ पे, ठीक है, अपना बी जो था
उसने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है जाओ, लेकिन बी ने कंडीशन ये रख दी, प्लीज़ ये क्वेश्चन जो है मैं इनकी एक लिंक अभी फ़ोटो एक मैं बीच में दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि ताकि क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दिख जाए, बाकी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वैसे भी नोट कर सकते हो। ए बी सी तीन पार्टनर थे, 5/9, 4/9, 1/3, 2/9 का शेयर था। अब बी ने कहा भैया मेरे 1/9 में से जो मेरा शेयर था, जो भी मेरा शेयर था कितना था, 1/3। बी का शेयर कितना था, 1/3। इस 1/3 में से भाई 1/9 जो शेयर होगा, 1/3 में से 1/9 शेयर जो होगा वो तो ले जाएगा ए, और जो बचा हुआ रहेगा, बचा कितना, 8/9, वो निकालने के टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है। 1 में से 1 माइनस 1/9 कर देंगे तो आ जाएगा 8/9, रिमेनिंग शेयर 8/9। तो 8/9 जो होगा वो हम दे देंगे सी को, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करो भैया, जितना जितना आपको बढ़ रहा है उसका रेशियो निकाल लो। तो 1/3 वॉज द रेशियो जो बी का था, उसमें से 1/9 किसको देने को तैयार है, वो ए को। तो 1/3 का 1/9 शेयर ए का हो गया, यानी 1/27। अब बचा कितना, 8/9। 1/3 का 8/9 ले जाएगा सी, यानी 8/27। तो भाई आपको गेनिंग पता चल गया, गेनिंग कितना चला, 1/27, 8/27। ये समझा ना मल्टीप्लाई करने का मतलब, कि भैया 1/3 शेयर था बी का, उसमें से 1/9 ले गया ए, 1/9 ले गया कौन, ए, यानी 1/27, और बचा हुआ यानी 8/9 कौन ले गया, सी। और ये 1/3 तो अपने बी का रेशियो ही है, 1/3 का 8/9 कौन ले गया, सी। तो गेनिंग कितनी हुई भैया अपनी, गेनिंग अपनी हुई 1/27, 8/27। ओल्ड रेशियो कितना था, 4/9, 2/9, 4/9, 2/9, दिख रहा है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है यार, जो अपना ओल्ड था उसमें अगर आप गेन ऐड कर दोगे तो आपका नया रेशियो आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप जब ऐड करेंगे, 1/27 प्लस 4/9 एंड 8/27 प्लस 2/9 आ जाएगा 13:14। ओके फ्रेंड्स, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक अजीब सा बप्पे टाइप का था, थोड़ा डिफरेंट लगा, तो मैंने कहा ये भी देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है भैया, अपने ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है। इनका रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5, ठीक है। बी ने कहा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, बी ने कहा मेरे को रिटायर होने का है, बोले ठीक है तुम रिटायर हो जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसका जो शेयर था बी का, बी का शेयर कितना था, 3/10। इसको ए और सी ने कहा कि भैया हम लोग 2:1 के रेशियो में बांट लेते हैं अपने शेयर में, यानी बी भैया का जो 3/10 है वो हम लोग 2:1 के रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट, पहले इतना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग आपका कितना है, ठीक है, करंटली अगर एग्जिस्टिंग की मैं बात करूं, तो भैया आपका एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, एग्जिस्टिंग शेयर है आपका 1/2 एंड 1/5। बात किसकी चलेगी, ए और सी की, ठीक है। और बात चली है तो दूर तक जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया बी तो हो गया रिटायर। अब हुआ क्या, उसने ऐसा कहा कि भैया जो 3/10 है, किसका 3/10, हमारे बी भैया का, उसको 2:1 के रेशियो में बांट लेते हैं, मतलब 2 ले लेंगे हमारे ए भैया, यानी 2/3, और रिमेनिंग 3/10 का 1/3 कौन ले जाएगा हमारे सी भैया। अब कितना आ गया इसका मतलब, ज़रा निकालिए, दिस वन इज़ ए पॉइंट, ठीक है, ए आप छोटे में रखिए। बी पॉइंट कितना आ गया, इसको अगर हम देखें तो भैया ये आ गया 30/6 और ये आ गया 30/3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ यहीं पे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2/10 और ये आ जाएगा 1/10। बेस मेरे को सेम रखने का है, ठीक है, 2/10, 1/10 ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ज़रा क्या होगा भैया, ये एग्जिस्टिंग रहा एंड दिस वॉज द गेन जो उन्हें मिला। ये मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे निकाला था, 3/10 का इतना इन्होंने इतना ले लिया, ठीक है। ये मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसका वैल्यू ये आया, इसको सिंप्लीफाई करके 2/10, 1/10 एंड ये आपका ओल्ड, दिस वन इज़ द ओल्ड, दिस वन इज़ द गेन, सो वट विल बी द न्यू, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना, 1/2 प्लस 2/10, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, 1/5 प्लस 1/10, कितना आ गया आपका गेन, आपका गेन आ गया है 7/10। प्लीज़ ये चीज़ कैलकुलेशन को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड ये आ गया आपका 3/10, ठीक है। ये हो गया न्यू रेशियो। अब हुआ क्या, ठीक है, ये तो आपका न्यू रेशियो आ गया, हुआ क्या, डब्लू की एंट्री हो गई, एक नया पार्टनर, ठीक है, ऐसा नहीं कोई डब्लू न्यू, एक हमने डब्लू को एंट्री दी और डब्लू ने कहा ऐसा है भैया, अपने को चाहिए 1/4 ऑफ शेयर, साफ सीधी सी बात, आप लोग को जो करना है वो करिए, मुझे 1/4 दे दीजिए। लेकिन डब्ल्यू की एक कंडीशन जो 1/4 वाली थी वो कैसे फुलफिल हुई, उसमें हुआ क्या, 1/4 में
ए ने कहा चलो हाफ ऑफ वन फोर्थ तो मैं दे दूंगा, हाफ ऑफ द वन फोर्थ मैं दे दूंगा, और जो रिमेनिंग बचा, ठीक है, जो रिमेनिंग बचा, ठीक है, वो कौन देगा, ठीक है, उनका जो रिमेनिंग होगा डब्ल्यू का, वो इक्वली हम दोनों बियर कर लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल सी बात, ए ने कहा हाफ तो मैं दे दूंगा इसका, और जो रिमेनिंग होगा वो हम और तुम, ए और सी, ये हाफ हाफ बियर करेंगे। बात समझना, वन फोर्थ का शेयर लेके आया था, भूल जाओ, मान लेते हैं कुछ, मतलब डब्ल्यू को जो भी शेयर चाहिए उसमें से आधा तो सीधा सीधा अपनी जेब से निकाल के ए दे देगा, बचा जो आधा रहा उसमें भी आधा आधा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ए ले रहे हैं और सी ले रहे हैं। यहाँ पूरा आधा एक ये देंगे और उस आधे में से आधा ए देंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एन सी एस वालों, आपका तो बनता है, आपकी तो मतलब आप माफ़ी मांग ही नहीं सकते ना, आपका तो मतलब ये है कि ऐसे ही क्वेश्चन रखेंगे, वो पता है एंट्री करवाएंगे नहीं इस बच्चे से हम, तो इसको सीधा सीधा ये करते हैं। तो अब ज़रा इस एंट्री को ज़रा एक बार समझ लेते हैं। ए ने कितना गिफ्ट किया होगा, हाफ का वन बाई फोर्थ यानी 1/8, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा ज़रा आप मुझे बता सकते हो, भाई वन फोर्थ था उसका, वन फोर्थ का हाफ इसने गिफ्ट कर दिया, वन फोर्थ शेयर आपका कितना है डब्ल्यू का है, इसका हाफ ए ने दे दिया। अब रिमेनिंग हाफ कितना होगा, रिमेनिंग हाफ भी इतना ही होगा ना, क्योंकि दिस इज़ द हाफ एंड ये आपका वन फोर्थ शेयर, ये भी 1/8 ही हुआ। अब ये बचा रिमेनिंग शेयर, ये तो आपको दे दिया इसने, किसने, ए ने, बचा हुआ जो हाफ था इसको आधा आधा कौन बांटने वाला है, ए और सी, तो इसका आधा आधा कर लीजिए यानी 1/8। अब आधा का मतलब 1/2 होता है, प्लीज़ डोंट गेट इट स्टक इन दिस कि आधे का मतलब क्या होता है, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही चीज़ है, ठीक है, वो नहीं करने से अपने को फ्रैक्शन में फिगर नहीं लेना। तो सबसे पहले 1/4 का हाफ जो था वो तो ए ने दे दिया, और अब जो रिमेनिंग 1/4 बचा है, ठीक है, उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है, यानी 1/8। ये बियर करेंगे ए और सी हाफ हाफ के प्रपोर्शन में, यानी 1/16 एंड 1/16। तो अब ज़रा सी बात कर लेते हैं कि भैया एक्चुअल में ए और सी के हाथ में बचा कितना, ए और सी के हाथ में बचा कितना। तो भैया ये तो था आपका रेशियो नॉर्मल 7/10, ठीक है, आराम से समझिएगा 7/10, सिर्फ ए की बात करता हूँ। चलो अब 7/10 में से 1/8 तो दे दिया उसने, किसको, बोला हाफ ले जाओ, और यहाँ पे फिर 1/16 उसने किसने दे दिया, हाफ से उसको दे दिया। अब सी ने क्या किया, सी के साथ क्या हुआ, सी का नए रेशियो था 3/10, क्या सी ने यहाँ कुछ सेक्रीफाइस किया, नहीं, सिर्फ यहाँ इस पॉइंट में 1/16 का सेक्रीफाइस किया। तो अब अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो दैट विल बी सम सॉर्ट ऑफ 41/80 और 19/80 आ जाएगा, ठीक है, तो दिस विल बी द रेशियो। और अगर हम तीनों का रेशियो बैलेंस करें तो वो आ जाएगा आपका 41, ठीक है, -19:20, ठीक है, हमारा 80-80 बेस है। तो आप ऐसा करिए 1/4 को भी 80 के बेस में ले लीजिए, 80 के बेस में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 20 से नीचे मल्टीप्लाई, 20 से ऊपर, इसलिए यहाँ पे 20 आ गया। सो द न्यू रेशियो विल बी 14:19:20। सर तो अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका रेशियो कैलकुलेशन। अब एक चीज़ आपको जो करनी पड़ेगी, जो आप एडमिशन से सीख के आए हो, सर मैं ये नहीं समझाने वाला अभी फिलहाल, कि भैया अपने को एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसके अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, ओल्ड रिजर्व, ओल्ड प्रॉफिट्स, ये सब जितना भी चीज़ें दे रखी होंगी उनका कैलकुलेशन करने का, वो आप उस चीज़ से करेंगे और फाइनली जो पेमेंट होनी होगी, ठीक है, वो करी जाएगी इसमें। लेकिन एक चीज़ समझने लायक है वो मैं बता देता हूँ। अब सर रिवैल्यूएशन जो है वो तो बहुत ईजी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना अपना डेबिट क्रेडिट। प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए एक केस तो होता है जब बैलेंस शीट में फिगर दिखानी होती है, ठीक है, बैलेंस शीट में जो फिगर्स होती हैं वो हम शो करते हैं, तो उसकी तो नॉर्मल अकाउंटिंग जैसे होती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है, और इधर साइड आपका जो भी एसेट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इधर कौन सी एसेट्स आएंगी, जिनमें डिक्रीज़ हुआ होगा और जिनमें लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ होगा, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की तरह चलती है। मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ मेरे स्टूडेंट को, ठीक है, तो उनको मैं समझाना, तो मतलब उनको ये पॉइंट आता ही होगा, मैं अदर्स को बता रहा हूँ जो नया इस समय वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनकम और लॉस की तरह चलता है, डेबिट साइड आपकी लॉसेस को रिकॉग्नाइज करती है, क्रेडिट साइड आपकी इनकम कराती है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। लेकिन एक केस होता है जहाँ पे हम कहते हैं हमें बैलेंस शीट में फिगर्स नहीं दिखानी है, मैं फिगर्स नहीं दिखाना चाहता, तो उस केस में हम क्या करेंगे भैया, दो तरीके ऐसे केस में हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि ऐसा करो पूरा बनाओ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो फिलहाल दोनों में बनेगा, ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना बना लो, क्या नाम होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे होगा जैसे एडमिशन के टाइम पे होता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे हम लोग। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि भैया रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, अब या तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो कहेंगे ऐसा है
कितना प्रॉफिट आता, मान लेते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपये, ठीक है, और रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर में आ रहा है वो आ रहा है 10,000 रुपये। तो बोलेंगे ऐसा करो, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने हिसाब से बी और सी अपना रेशियो बता दें कि हम इक्वली बॉर्न करेंगे, किस रेशियो में बॉर्न करेंगे, नहीं होगा जो भी रेशियो बताएंगे कि हम अपनी जेब से बॉर्न करेंगे, तो सीधा सीधा उन लोगों के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। उनके कैपिटल अकाउंट को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा भैया 20 कैपिटल 30 कैपिटल, मान लेते हैं दो पार्टनर है जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये दोनों अपने कैपिटल से पेमेंट कर देंगे, किसको, सीज कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना 10,000 रुपये का टोटल अमाउंट, 5,000 इनका 5,000 इनका, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, बेसिकली बी और सी ने इक्वली बॉन्ड कर दिया, ए रिटायर होने वाले थे तो सीधी सीधी बात, ठीक है, ए के खाते में, ठीक है, ये एस कैपिटल होगा, ए के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करा दिया। दूसरा केस ये हो सकता है कि कुछ नहीं, जैसा ओल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, सिंपल पहले तो ओल्ड जो पार्टनर थे यानी ए बी सी तीनों पार्टनर उनके रेशियो में, और फिर जो न्यू पार्टनर हैं यानी बी और सी उनका जो नया रेशियो है उसमें बांट दो उठा के, सिंपल सी बात। जैसे हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, पहले ऊपर ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट बांट देते थे, फिर एंट्री रिवर्स करके न्यू प्रॉफिट में बांट देते थे। ये दो मेथड है जो आप फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन की मैं स्क्रीनशॉट देखिए फोटो लगा रहा हूँ, ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सर एक फिगर ये आती है कि अगर रिजर्व वगैरह कुछ अकाउंट में पड़ा हुआ आपके, ठीक है, क्या पड़ा हुआ है, कोई रिजर्व पड़ा हुआ आपके अकाउंट में, ठीक है, तो उसका भी तो कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसमें भी सेम दो ट्रीटमेंट वैसे ऊपर वाले होंगे। पहला क्या है कि सबके सब जितने भी हैं वो सबके सब ले लेंगे, और पहला सिर, दूसरा पार्शियल मतलब जो रिटायर हो रहा उसको पेमेंट करो, बाकी अपना प्रॉफिट रोके रहेंगे, कहेंगे हमें नहीं ट्रांसफ़र करना, आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, सबके केस में सीधी सी बात, रिजर्व का खाता करो डेबिट, और टू एस कैपिटल, ठीक है, जिन पार्टनर्स का कैपिटल है जितने भी हैं, क्यों, क्योंकि सब कह रहे हैं भैया हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, टू सीज कैपिटल उठा के पूरा। लेकिन अगर पार्शियल की हम बात करते हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे, रिजर्व का खाता सिर्फ उसी बंदे से पेमेंट करवाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं हमारा ए रिटायर हो रहा है, ठीक है, एस कैपिटल, जो बंदा रिटायर हो रहा है हम उसके खाते में एंट्री कर देंगे, एज रिटायरिंग, तो ए के खाते में जितना रे, अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये इन द जो इन्होंने लूज़ किया है रेशियो, जो इनका रेशियो था प्रॉफिट में उसमें जाएगा, मतलब कहने का मान लेते हैं 10,000 रुपये रिजर्व में था और इनका शेयरिंग रेशियो 1/10 है, तो 1/10 के हिसाब से 1,000 रुपये इस एंट्री में 1,000 रुपये इनके खाते में डाल दिए जाएंगे, जितना इनका इस रेशियो पे, इस रिजर्व पे हक बनता है, ठीक है। अब इसका एक ऑल्टरनेट मैथड और हो सकता है, ऑल्टरनेट तरीका ये हो सकता है कि भैया ऐसा जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, जाने तो उसको कोई बात नहीं, हम कहना चाहते हैं कि भैया रिजर्व देखो बैलेंस शीट में दिखाई पड़ेगा, मुझसे मतलब नहीं, यहाँ क्या रिजर्व नहीं दिखाई पड़ेगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ पार्शली हम पेमेंट कर रहे हैं, पार्शली रिजर्व खाली कर रहे हैं, पार्शली, हम कह रहे हैं नहीं, पूरा रिजर्व जो है वो दिखाई पड़ना चाहिए, 10,000 रुपये का मान लेते हैं अमाउंट था, पूरा रिजर्व हमें दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है, 9,000 रुपये का मान लेते हैं अमाउंट था, या 10,000 का जो भी 9,000 रुपये का अमाउंट था, पूरा रिजर्व में दिखाई पड़ना चाहिए। तो क्या करो, सबसे पहले वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि रिजर्व शुड नॉट बी पेमेंट शुड नॉट बी मेड फ्रॉम द रिजर्व, द पार्टनर विल मेक द पेमेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा, आप पहले तो रिजर्व अकाउंट पूरा डेबिट कर दो उठा के, 9,000 रुपये से था, ठीक है, डेबिट कर दें, मान लेते हैं तीनों इक्वली शेयर कर रहे थे अभी तक प्रॉफिट, टू ए टू बी टू सी, 3,000 रुपये तीनों के खाते में चला जाएगा, कैपिटल है ये, एस कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है, 3,000 रुपये तीनों के चले। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा ऐसा यार हम ऐसा करते हैं, ये जो है ये रेशियो हम बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, ठीक है, इसको मत हटाओ इस अमाउंट को, तो सिंपल सी बात भैया अपनी अपनी जेब से पेमेंट कर दो, फिर अगर तुम्हें ये रिजर्व दिखाना है, ठीक है, अगर ये रिजर्व तुमको क्या करना है दिखाने का है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली तो ये एंट्री होती है पेमेंट करने की, ठीक है, समझा, मतलब नॉर्मली तो ये एंट्री होती है, लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं भैया ऐसा है रिजर्व जितने से था, मतलब ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ये 9,000 रुपये का मान लेते रिजर्व था, तो ये अमाउंट नॉर्मली होता है, ठीक है, ये एंट्री नहीं पास होगी, अब उसने कहा ऐसा करते हैं अपने को रिजर्व बैलेंस शीट में चाहिए, ठीक है, वो बैलेंस शीट में दिखे, अपनी जेब से पेमेंट करो, ठीक है, यहाँ अपनी जेब से पेमेंट नहीं हो रहा था इस वाली एंट्री में रिजर्व से पार्शियली रिजर्व ट्रांसफर किए थे, पर यहाँ कह रहा नहीं यार रिजर्व उतना ही 9,000 रुपये से दिखाई पड़ना चाहिए जितना है रिजर्व, अपने को यहाँ जेब से पेमेंट करो, तो सिंपल सी बात है, एक्स और वाई जो भी मतलब पार्टनर थे, मान लेते ए रिटायर हो रहा तो बी और सी अपनी जेब से पेमेंट करेंगे, किसकी कैपिटल में, सीज कैपिटल में, ठीक है, अब रेशियो इनका कितना था, इनको 3,000 रुपये मान लेते हैं
इनका 3000 रुपये का आ ही रहता रेशियो अपना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। आई हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो निकाल लीजिए और सेम चीज़ आप उनके बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 था, तो 150-150 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर देंगे। समझ में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा इस मेथड में। अगर उन्होंने कहा कि हम अपनी जेब से पेमेंट करेंगे और बैलेंस शीट में जितना रिजर्व उतना दिखाई पड़ना चाहिए, तो जो बंदे बचे हुए हैं वो अपने खाते को डेबिट कर देंगे और जिसकी कैपिटल जो जा रहा है रिटायरिंग हो रहा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी रिजर्व के उतने अमाउंट से, 3000 रुपये का उतना पेमेंट से बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज़ दोबारा से सुन लीजिए, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आ जाइए सर, धीमे धीमे हम लोग पार्टनर की रिटायरमेंट पे आ चुके हैं, ठीक है, फाइनली फेज पे। अब क्या हो रहा, हम फाइनल पेमेंट करेंगे। अभी तक अपने क्या क्या पीछे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब समझ लिया कैसे होता है, रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, और लास्टली आपने देखा अगर कोई रिजर्व में, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिजर्व का मतलब ये है कि अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ ना तो भी उसको समझिएगा अपने हिसाब से। अगर उसने कह दिया लॉसेज बटेंगे या प्रॉफिट बटेगा तो सेम मेथड वही लगने वाला है, ठीक है। मेन चीज़ ये कि बैलेंस शीट में दिखना है या नहीं दिखना है, और पेमेंट अपनी जेब से करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, ये पॉइंट। मतलब अगर उसने कहा कि पार्शली रिजर्व ट्रांसफर होगा तो जितना उसका रेशियो बनता है रिजर्व अकाउंट के हिसाब से, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू उसका खाता। लेकिन अगर उसने कहा नहीं रिजर्व अकाउंट बिल्कुल भी टच नहीं करना है, तो जितने लोग बचे हुए हैं वो अपनी कैपिटल से पेमेंट कर देंगे। अब क्या होगा, बेसिकली फाइनल पेमेंट में भैया आपको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो कर चुके हैं। गुडविल ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वो आपको करनी आती है, सिंपल से उसकी जितनी गुडविल होगी वो ट्रांसफर कर देंगे। एंड लास्ट इज जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया है, वो भी उसके खाते में कैपिटल में फाइनल पेमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब पेमेंट दो तरीके से करी जाती है, मेन चीज़ ये समझिए, पेमेंट दो तरीके से करिए। पहली तो सिंपल पूरा बैंक से पेमेंट कर दो। मतलब मान लेते हैं ए रिटायर हो रहा था, तो ए की कैपिटल वैसे नॉर्मली क्रेडिट होती आती है, अब पेमेंट कर रहे हैं, ए की कैपिटल डेबिट कर दो टू बैंक, सिंपल पेमेंट कर दो। दूसरा केस होता है भाई अपने पास फंड नहीं है अभी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारा पार्टनर इतना तो हमारी बात सुनेगा ही सुनेगा, नहीं सुनेगा तो सुनवा देंगे, कहेंगे सुनो पैसे नहीं देंगे। दैट इज जस्ट जो हम क्या करेंगे, जो भी आपका रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब मान लेते हैं ए, यहाँ पे ए इज कैपिटल, हम क्या करेंगे, ए की कैपिटल पूरी डेबिट करेंगे जितने अमाउंट से होनी चाहिए। तो टू क्या करेंगे, हम मान लेते हैं पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर मेकिंग अ पार्शियल पेमेंट। हमने मान लेते हैं इसको 10,000 रुपये देने थे, हमने सुनो 2,000 रुपये तुम बैंक से ले लो, और यार एक लोन अकाउंट तुम्हारा हम खड़ा कर दे रहे हैं 8,000 रुपये से, ठीक है, आप लोन की तरह अपना एक अकाउंट खड़ा कर लो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है पार्टनर एग्री कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि वट इज़ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द पार्टनर। अब इसमें तुम्हारा यही मेन एंट्री है कि जो लोन तुम्हारा खड़ा हो जाएगा ना, इसमें तुम्हारा या तो फिक्स इंटरेस्ट एक अमाउंट दे रखा होगा, हर साल इतना इंटरेस्ट आपको मैं दूंगा और इतना अमाउंट पे होगा, या फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट दूंगा मैं, ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट दूंगा, या फिर लमसम मैं पेमेंट कर दूंगा सर, नो इंटरेस्ट कोई बात नहीं, ठीक है। तीन कंडीशन हो सकती हैं लोन अकाउंट में कि भैया जब भी बंदे को पेमेंट की जाती है तो फिक्स इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, या रिमेनिंग अमाउंट पे जो बचा हुआ होगा उस पे इंटरेस्ट, जैसा हम नॉर्मली होता ही है कि मान लेते हैं 10,000 रुपये का प्रिंसिपल था, तो भैया 10,000 रुपये पे 6% निकाला, 1,000 रुपये हर साल मान लेते हैं फिक्स कर दिया आपको हम देंगे, ठीक है, तो 1,000 रुपये था अमाउंट मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 1,000 रुपये अमाउंट पे हमने कहा कि हम भाई साहब आपको हर साल हम आपको 1,000 रुपये या चलिए 2,000 रुपये थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं, गरीबों का नहीं, 2,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है मैथमेटिकली, ठीक है। 10,000 रुपये पूरे हो गए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइव्थ ईयर देंगे, लेकिन इसके साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट होगी। तो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगी, भैया पहले साल तो जाएगा 2,000 रुपये प्लस ये जो 10,000 रुपये पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग तुमने रखा हुआ था, मान लेते हैं 6% इंटरेस्ट था, उस पर पूरा इंटरेस्ट जाएगा, कितना हो गया 6% इंटरेस्ट इसका, 600 रुपये, यानी 2,600 रुपये आपका इंटरेस्ट जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये का अमाउंट जाएगा प्लस, अब क्या हुआ, इस 10,000 में से 2,000 पे हो चुका है, सेकंड ईयर में सिर्फ 8,000 बचा है, इस 8,000 पे 6% जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम हर साल करते हुए जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पे ब्याज देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना, बहुत ईजी सी चीज़ है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पे ब्याज देंगे। नॉर्मली इस पे कैलकुलेट करने को ही क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपका 2,000 रुपये पे इंटरेस्ट, ठीक है, 6% था, 6%, ठीक है। ऐसे आप पेमेंट करते जाएंगे और पार्टनर के लोन अकाउंट से इतना इतना अमाउंट घटता चला जाएगा, इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस आप चार्ज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका इसमें मेन एक क्वेश्चन एक और आता है,
चलिए फ्रेंड्स, अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा इसमें आपकी स्क्रीन पे, है ना। प्लीज़ उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन रखिए। बाकी ICI वाले जो बच्चे हैं उनकी बुक में 8.92 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये, ठीक है। तो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारा रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोटिंग करने की मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ, पॉज करके उसकी नोटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैलेंस शीट एक क्वेश्चन में दे रखी हुई है। ABC तीन पार्टनर है, 5:4:3 का रेशियो है, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ और जो भी न्यू हैं वो भी देख लें कि ABC जो जो चीज़ें आपके पास नोट करने लायक हैं प्लीज़ उन्हें नोट करते रहिए, ठीक है। ABC तीन पार्टनर है, 5:4:3 एज ऑन 31 मार्च 2015। और क्योंकि मैंने ICI की बुक में एक डिफरेंट चीज़ ये देखी हुई है कि इन लोगों का नॉर्मल बिहेवियर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल एंट्रीज ही पूछ रहे हैं, तो क्या भरोसा आपके एग्जाम में यही कह दें कि भैया जनरल एंट्री साफ साफ करा दो। इसलिए मैं सीधा जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। लेजर बनाना इज़ नॉट अ टफ टास्क, जनरल एंट्री ज़्यादा टफ है। तो बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद देखिए एक लिखा हुआ है कि इट सफरिंग फ्रॉम इलनेस, ए जो थे वो कुछ बीमार चल रहे थे तो ए ने बोला हम जाहिर है, ठीक है। तो ठीक है, उनका रिटायरमेंट करा देते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2015 को उनका रिटायरमेंट हो गया। अब हुआ क्या कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 31 मार्च 2015 को वो था अमाउंटिंग टू 48,000, ठीक है। हमारा PNL था 48,000, ध्यान रखिएगा। अब वही पिछले लॉजिक काम आएंगे इन क्वेश्चंस में, 48,000। और ये रीओपन होगा, ठीक है, दिस विल बी रीओपन। अब क्या कह रहा है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को शोड नेट प्रॉफिट 48,000, वॉज टू बी रीओपन, दोबारा ओपन होना है। एंड बी वॉज टू बी क्रिएटेड विद 4,000 रुपया बोनस। बी का खाता जो है, बी हमारे जो भी कैपिटल वाले हैं हमारे पार्टनर हैं, उनको 4,000 रुपये क्रेडिट होने उनके अकाउंट में, उनको बोनस मिला था इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डेवलप, ठीक है। और जो रिवाइज प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग फीचर है कि भैया ये 48,000 कब का है दे रखा है आपको, 31/3/15 को, ठीक है। अब कह रहे हैं ये रीओपन होगा और रीओपन होने के बाद क्या होगा, 4,000 रुपये इस खाते में क्रेडिट होंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है जो डेवलप करी थी। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो आपको 1 अप्रैल 2014 से रिवाइज करना है 3:4:4 में। अभी तक कितना है रेशियो, 5:4:3, लेकिन कुछ पास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट था उसकी वजह से कह रहे हैं कि भैया उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ओपन करके। और एक काम और कर दीजिएगा कि इस प्रॉफिट को अब जो हम ये लेके चल रहे थे आप इसको इस रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज। वाह 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 वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है भैया, गुडविल कैलकुलेशन आ गई। गुडविल क्या करनी है, परचेज करनी है 2 ईयर के बेसिस पे, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट आपका पिछले 5 सालों का दे रखा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट, अगर उसमें ट्रेंड दिख रहा है तो वेटेड एवरेज, और नहीं ट्रेंड दिख रहा है तो सिंपल एवरेज। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। द फिक्स्चर वर टू बी वैल्यूड बाई एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जो आपके फर्नीचर फिक्स्चर उसकी वैल्यू करेगा, हमें एक प्रोविजन बनाना। अब ये सारे एडजस्टमेंट देखिए उसी खाते के अंदर होने हैं, 2% ऑफ डेट्स, ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स काम है, 2% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एंड रिमेनिंग एसेट वॉज टू बी टेकन एट द बुक वैल्यू। हुआ क्या, हमने गुडविल को वैल्यू करना है पहली बात तो 5 साल दो ईयर परचेज के हिसाब से, और फिक्स्चर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वैल्यू करेगा, उसकी वैल्यू उन्होंने आगे दे ही रखी होगी, नहीं दे रखी हुई है, ठीक है। चलिए ये भी नोट कर लेते हैं, नीचे दे रखा हुआ, चलिए 2% पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है। और आपकी जो गुडविल है वो है 56,800 की, फर्नीचर जो है वो है आपका 10,980 का, ठीक है। बी और सी अग्रीड करते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब रखेंगे 3:2 का, जो पुराना चला गया, हम 3:2 में रखेंगे। अब क्या करना भैया, डिसाइड करना है आपको। पहली बात तो साफ बोल दिया उसने, देखो गुडविल को बैलेंस शीट से एलिमिनेट करना है, तो मतलब राइट ऑफ होगी। ये देखो मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा या फिर आपको खुद से समझना पड़ेगा उसमें पॉइंट। अब रिटेन लिखा हुआ है कि भैया फिक्स्चर जो है वो रिवाइज वैल्यू पे दिखेगा, और इंक्रीज करना है प्रोविजन बाइट बैट। ये देखिए अब क्या हुआ, 2% से अभी तक था, अभी कह रहा है इसको और इंक्रीज करके 6% कर दो। कितना कर दो, 6% कर दो, अभी तक 2% था, कितना करने को कह रहे हैं, 6% करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले एडजस्टमेंट समझ लेते हैं भैया। बेसिक एडजस्टमेंट जो होने हैं वो तो कर ही लो, ठीक है, कि भैया जो 48,000 रुपये का प्रॉफिट था पहली बात तो, ठीक है, अब एंट्री शुरू करो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कई लोग लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिखाऊंगा, बोलो क्यों,
कैसे बोलो क्यों, मुझे बोलना पड़ेगा। बोले यूं, क्योंकि सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इस वजह से खुलेगा क्योंकि सर पिछले साल का प्रॉफिट हम रीओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, हमें वो खोलना पड़ेगा, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब भैया जिसका जिसका खाता है उसके उसके खाते में पहली बात तो क्या करो, सबसे बेसिक जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसका अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम से कितना प्रॉफिट था सबसे ऊपर अपना, 48,000 रुपये, तो इस 48,000 रुपये को ए बी और सी की कैपिटल में बांट दो, ये तो बटना तय है, ठीक है। किस रेशियो में बटेगा, ये रेशियो इम्पोर्टेंट है, टेल मी विन इन विच रेशियो इट शुड बी कन्वर्टेड। ये आपका बटेगा आपके ओल्ड रेशियो में कितना, 5:4:3 जो रेशियो था 48,000 रुपये उसी में बटेगा। अब हम जब आगे डिवाइड करेंगे फर्दर तो हम रेशियो चेंज करेंगे, वो भी मैं अब आपको बताऊंगा। फिलहाल 5:4:3 के रेशियो में अगर देखा जाए तो इसका बनता है 20,000, इसका बनता है 16,000, इसका बनता है 12,000 रुपये, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, इसने कहा भैया एक बोनस का अमाउंट था, 4,000 रुपये का, किसके खाते में जाना चाहिए था, ये गाना चाहिए सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये किसी और साल का प्रॉफिट है, इस साल का तो है नहीं, और किसके खाते में जाना चाहिए, 20 कैपिटल के अकाउंट में, कितना, 4,000 रुपये से। तो आपने क्या किया, ओल्ड जो था प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पता है ना क्यों खुल रहा है, गधों वाली हरकतें मत करना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों खुल रहा है, क्यों, क्योंकि भैया पिछले साल के प्रॉफिट इफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में क्या हुआ, नेट ऑफ कर दिया तुमने, अब देखो जरा नेट ऑफ कितना बैलेंस आ रहा। अब एक बात बताओ जरा मेरे को, ये जो 48,000 रुपये का फिगर था, ये जो 48,000 रुपये का फिगर था, इसको पहली बात तो जो तुम्हारे 31:3 को नॉर्मल रेशियो में जो बटना था बांट दिया तुमने, ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो नए रेशियो के हिसाब से रखना है ना, तो नए रेशियो कितना है इसके हिसाब से रखना है, तो पहले तो एडजस्टमेंट करा दो, 4,000 रुपये का एडजस्टमेंट, नेट ऑफ कितना बैलेंस आया, 40,000 रुपये। अब ये जो बैलेंस आया, ठीक है, ये जो बैलेंस आया, ये इनके खाते में इस साल 31/3/15 को अब आएगा, बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत लॉजिकल और सिंपल सी चीज़ है कि भैया मेरे ये 5:4:3 के रेशियो में इन दोनों इन सब में बटा हुआ होगा, क्या कर दो, रिवर्ट बैक ले लो, वापस ले लो ये पैसा, ठीक है, वापस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 48,000 रुपये आ गया। अब क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में एक एंट्री होनी चाहिए थी 4,000 रुपये की जो उसको बोनस मिला था, तो भैया वो अमाउंट सी के खाते में बी के खाते में ट्रांसफ़र कर दो। बैलेंस कितना बता, 44,000 रुपये, ये 44,000 रुपये बटना चाहिए था ए बी सी में। अगर मैं बात करूं, वैसे तो 48 लिखा था पर 4,000 की एंट्री मिस हो गई थी। अब 31/3/15 को उसने कहा भैया ऐसा है, हम अपना जो रेशियो है ना वो कर रहे हैं चेंज, और इसको आप कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा 3:4:4 के रेशियो में। तो अब 44,000 रुपये बैलेंस बचा, 48 क्रेडिट 4 डेबिट, बैलेंस कितना 44, बांट दो 12,000, 16,000 और 16,000 के रेशियो में। समझ में आया ना व्हाट वी आर डूइंग, पहले भैया ओल्ड प्रॉफिट को वापस ले लो 48,000 रुपये का, पूरा मेरा वापस दो, इसमें से 4,000 रुपये तो पहले बी के खाते में डाल दो जो देने चाहिए थे, बचा हुआ जो होगा वो 3:4:4 में बांटना है, 5:4:3 हमने अबॉलिश कर दिया। उसने साफ बोला है कि 3:4, देखो क्वेश्चन में 3:4:4 का रेशियो आपको 1 अप्रैल 2014 से अप्लीकेबल है, तो मतलब 31/3/15 के रेशियो में तो वही लगेगा ना, लॉजिकल चीज़ है, डोंट गेट कन्फ्यूज इन इट। अब इसके बाद क्या होगा सर, अब यहाँ तक की एंट्रीज तो पास तक चल रही थी, अब आप करेंगे किसकी, रिवैल्यूएशन की बात। रिवैल्यूएशन की बात तो बहुत ईजी है सर, मेन इस क्वेश्चन का मज़ा यही था जहाँ मैंने ख़त्म कर दिया, हमने प्रॉफिट पिछले साल के उठाया उसको एडजस्ट कर दिया। फिक्स्चर अकाउंट डेबिट, फिक्स्चर अकाउंट डेबिट क्यों किया सर, डेबिट क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमारे खाते में फिक्स्चर अकाउंट कितने से खड़ा है, 8200 से, ठीक है। अब इसको आप माइनस करके 8200 माइनस कितने से उसने कर दिया है, 10980, बैलेंसेस 2780। तो सर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ये बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो फिक्स्चर को अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। प्लस एक प्रोविजन उसने कहा हमें क्रिएट करना, अब प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि हम ये क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोविजन किसका था सर, बैड डेट्स का सर, कितना परसेंट था सर, सर 2% था, 2% किसका, किसका 2%, ये 2% किसका होना चाहिए मेरे बच्चों, दिस विल बी 93500, ठीक है, इंटू 2%, कितना आया 1870, भैया इसका 1870 आ गया प्रोविजन जो हमें क्रिएट करना है। अब क्या हुआ, तो ये तुम्हारा पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ए का रिटायरमेंट इन्हें कराना था, तो सीधी सी बात है फर्नीचर फिक्स्चर अकाउंट देखा, जितना भी बैलेंस बचा वो सीधी सी बात है द बैलेंस विल बी ए बी एंड सी। अब हम चाहते तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री खड़ी करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। हमने क्या किया, जितना बैलेंस बचा ए बी सी के खाते में ट्रांसफ़र कर दो, किस रेशियो में, ये इन्होंने उसी रेशियो में ट्रांसफ़र करना है जो रेशियो इनको दे रखा था, वो रेशियो क्या था, दैट वॉज योर ओल्ड रेशियो,
ये आपका बटेगा 3:4:4, जो भैया आपका आपका नया रेशियो उसी रेशियो में तो बटाना पड़ेगा, कितना 248 331 331। अब हुआ क्या मैं बताऊं, सिंपली कई लोग एंट्री क्या करते हैं, फिक्चर अकाउंट टू प्रोविजन अकाउंट टू आपका जो बैलेंस आता है, अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर खड़ा करता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर इधर बनाता हूँ तो ये क्या हो जाता, फिक्चर की एंट्री डेबिट होती, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता, तो मतलब क्या आ जाता, बाई फर्नीचर, और यहाँ पर ये डेबिट हुआ है, ये इसका खाते में डेबिट हो जाता टू प्रोविजन। अब ये जो भी अमाउंट आता, ठीक है, जो भी इसका अमाउंट आता डिफरेंस, वो या तो इधर आता या तो इधर आता, वो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाता, यहाँ इसने सीधा सीधा एंट्री में वो कर दिया। जो भी बैलेंस आया क्रेडिट साइड में देखो कम बैलेंस पड़ रहा है, तो इधर पूरा का पूरा 3:4:4 के रेशियो में 910 इसका बैलेंस आ रहा, वो बट गया, ठीक है। और ये क्या हो गया है अपना, वट इट इज़ एक्चुअली, यहाँ पर सीधी सी बात भैया, ये आपका बेसिकली क्या हुआ है, एक हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी कम बढ़ी, डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ गया। एंड द लास्ट वन इज़, अब क्या होगा, अब एक जगह देखो उसने कहा है आप गुडविल रेस करिए, अब अगली एंट्री किस चीज़ की है, गुडविल रेस करने की, गुडविल कितनी थी 40,000 रुपये, देखिए क्वेश्चन में दे रखी हुई है 40,000 रुपये, वैल्यूएशन के हिसाब से इन्होंने गुडविल आपकी कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखिए बैलेंस शीट में आपकी, सॉरी टू से, बैलेंस शीट में आपकी गुडविल दे रखी हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था ना, अगर बैलेंस शीट में दे रखी है तो पहले उसको राइट ऑफ करो, फिर जो नई गुडविल है उसको एडजस्ट करेंगे, तो बैलेंस शीट वाली गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। मैंने रेगुलर क्लास में आपको पढ़ा दिया हुआ है कि जो भी आपकी बैलेंस शीट में गुडविल बची हुई है, अगर बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल बची है तो उसको सबसे पहले रेस करेंगे, मतलब उसको ख़त्म करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में राइट ऑफ होनी चाहिए, ये उसी रेशियो में राइट ऑफ होगी जिस रेशियो में आपका रखा हुआ होगा अमाउंट, एंड दैट विल बी योर 3:4:4, ठीक है। वो क्या हो गया अमाउंट आपका, आप निकाल लेंगे 10909, देन 14545, एंड लास्ट वन इज 14546, जस्ट टू बैलेंस द मैच, ठीक है। अब उसके बाद एक बात ये देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि भैया क्वेश्चन में अब आपकी ये हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ये देखने लायक है, क्योंकि गुडविल का भी एंट्री आने वाली है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो आपका रेशियो निकाल लेते हैं। अब ज़रा देखिए रेशियो क्या था, यहाँ से जनरल एंट्री प्लीज़ आप नेक्स्ट पेज से करिएगा। एटलॉक्स थ्री अभी हमारी तीन एंट्रियाँ आपकी बची हुई हैं, ठीक है, तीन एंट्रियाँ और होंगी, 1, 2, 3, हाँ थ्री एंट्रीज़ और होंगी, तो इसलिए थ्री एंट्रीज़ के बराबर स्पेस दीजिएगा। मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, किसका, आपका ओल्ड न्यू और आपका गेन क्या हुआ और हु इज़ गोना सेक्रीफाइस, ठीक है। तो क्या है आपका ओल्ड रेशियो, दैट वॉज 3:11, 4:11, 4:11, ये था ना, हमने रेशियो चेंज कर दिया है। एंड द न्यू में क्या था, उन्होंने कहा था हम 3:2 से शेयर करेंगे, यानी 3:5, 2:5, द डिफरेंस विल बी 13:55, 2:55, इट विल बी अ गेन, एंड लॉस कौन करने वाला है, जो रिटायर होने वाला है, दैट इज 3:11। तो अब ये सिंपल सा चला है, अब ऐसा करते हैं सीधा हम एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, उससे सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उससे सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। एक ए, ये बी, ये सी का खाता, दिस ए, दिस बी, दिस सी, अब व्हाट नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी ए बी और सी, ए बी और सी का खाता खुल गया, ठीक है। अब क्या करो, जो जो उनका बैलेंस था वो उतार दो, कितना बैलेंस था उनके खाते में, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बैलेंस शीट में 135390, नेक्स्ट इज 95120, एंड द लास्ट वन इज 6170. अब एक चीज़ तो भैया पहली सीधी सी बात, जो एंट्री सीधी सीधी याद आ जा रही है, मैंने अभी करवा रखी है, उनको आप मैच करा दीजिए। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से 4,000 रुपये इसके खाते में आया था, दे दो बोनस का पैसा। उसके बाद हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ था एक अमाउंट, ठीक है, क्रेडिट क्या हुआ था, जो उनके नए रेशियो में हमने बांट रखा था 12,000, पीछे दिख रहा होगा आपको 16,000 और 16,000। अब आप बोलेंगे सर वो वाली एंट्री का क्या किया, तो बेटा वो वाली एंट्री भी आएगी जो ओल्ड रेशियो में थी, वो क्या होगा, उसमें ये डेबिट साइड में आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ था, उसमें प्रॉफिट लॉस क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, हमने पैसा ट्रांसफर किया था। वो किस रेशियो में था, वो आपका 5:2 वाला जो रेशियो था, 5:3:2 का रेशियो था, आई थिंक सो 5:4:3 का, उस रेशियो में चला जाएगा 16,000 और 12,000, ठीक है। अब ये आ गया टू, अब एक और चीज़ यहाँ पे गुडविल का एक और फिगर आया था, ठीक है, वो क्या था हमारा 10909 14545, एंड द लास्ट वन इज़ 14546,
ये अभी मैंने एंट्री लास्ट में करवा दी थी जिससे गुडविल हमने बैलेंस शीट में खड़ी थी राइट ऑफ कर दिया था। अब एक चीज़ और थी वो आपका फर्नीचर फिक्सचर वाली एंट्री, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो भी आपका लॉस आया था बेसिकली आपका ट्रांसफ़र हुआ था तो उसको चाहे फर्नीचर फिक्सचर लिख लो या रिवैल्यूएशन लिख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लो, जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। वो किस रेशियो में आपके एक कैपिटल में आया था 248, जितना उनके खाते में पैसा गया था 331, यह आ गया। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, एक और पॉइंट था याद है, प्रोविजन के लिए एक पॉइंट बोला गया था कि भैया जो प्रोविजन होगा, ठीक है, वो जाएगा किस हिसाब से। लेकिन उससे पहले एक बात देखिए ज़रा, क्या बैलेंस शीट में कोई और चीज़ ऐसी बची हुई जो ट्रांसफ़र करनी है, बैलेंस शीट में क्या कोई रिजर्व है, नहीं है, क्या कोई प्रॉफिट लॉस दे रखा है, नहीं, जो दे रखा था उसको हमने एडजस्ट कर दिया, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, फिक्स्चर्स को एडजस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, ट्रेड रिसीवेबल का हो गया, कैश का हो गया, कोई और ऐसा ट्रीटमेंट उसने कहा नहीं है जो इन्हें करना हो फॉर द पर्पज़, सिर्फ एक गुडविल का एक ट्रीटमेंट है जो हम न्यूली परचेज गुडविल लेके आए हैं, ठीक है, उसके कुछ एडजस्टमेंट हैं जिन पे हमें नोटिस करना पड़ेगा। अब जो क्या हुआ था, जो ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उतने की गुडविल लेके जाएगा, जैसे नया पार्टनर आता था तो अगर वो कुछ गेन करता था, ठीक है, तो वो गुडविल लेके आता था, अभी बंदा अपना लूज कर रहा है तो क्या करेगा, गुडविल अपनी लेके जाएगा वापस, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री तो बहुत ईजी है, पहली बात तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो हमने रेशियो देखा हुआ था कितना, हमारा रेशियो कितना था ओल्ड पार्टनर का 3/11 इनटू, हमने देखी गुडविल कैलकुलेट करके रखी कितनी 56800, क्वेश्चन के एकदम लास्ट में दे रखी है 56800, इसके प्रोपोर्शनेट में आप निकाल लीजिए कितनी गुडविल ये बंदा ले जाएगा इनटू 3/11, विट विल बी 15490, कितनी गुडविल ले जाएगा हमारा ये बंदा 15490, ठीक है, ये अमाउंट ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ इनसे 13425 2066, यस यही अमाउंट है, ठीक है, एक्चुअली ये अमाउंट थोड़ा डेसिमल्स में है, ठीक है, तो यू कैन क्रिएट इट एज अ वन, चाहिए तो एक कर लीजिए क्योंकि होगा क्या, फिगर अदरवाइज मैच नहीं करेगी, ठीक है, इसको वन कर लीजिए। अब ये हो गया, अब ये क्या होगा, ये जिसने गेन किया है वो पे करेगा, और मैंने गेनिंग रेशियो अभी आपका निकलवा दिया है, कितना गेनिंग रेशियो निकाला मैंने ये आपका निकला है एक 13/55 2/55, यानी कहा जाए 13:2 के रेशियो में, तो क्या हो जाएगा, अगर आप रेशियो निकालेंगे इस अमाउंट का 13:2 में तो 13425 and 2066, सो ये आपका 13 कौन पे करने वाला है, 13 कौन पे करने वाला है, जो बंदा आपका कौन है बी, और ये कौन पे करने वाला है सी, तो भैया सीधी सीधी बात, ये अपने खाते में से इतना पैसा देंगे, किसको देंगे ये पैसा, किसको देंगे ये पैसा, ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं ए के खाते में, किस अमाउंट से 13425 and 20666, दिस इज अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। अब क्या करो, सीधी सी बात भैया, प्रोविजन की सीधी सीधी एंट्री, अब एक एंट्री और ट्रांसफ़र करनी होगी, ये तो इनका बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया हमने इनके खाते में बी और सी के हिसाब से, एक एंट्री तुम्हारी आएगी, याद है प्रोविजन का एक पॉइंट उसने कह रखा है जिसमें कह रहा है कि अभी तक तो 2% का बनाना है पर अपकमिंग प्रोविजन कितने का कर देना है 6% का, उस क्वेश्चन में क्या कहा था, चलिए इसकी एक रफली एक यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, कितने का प्रोविजन था हमारा, ज़रा बैड डेट्स ज़रा ट्रेड रिसीवेबल देखिए 9350, अब मैंने ऑलरेडी 18 अमाउंट तो कितना था 1870 का बना रखा हुआ, दैट इज़ 2%, पहले तो इसका 6% निकालिए जितने का अब हमें बना रहा है, पास वाला कितने का बनाने को बोला था 2% का, अब बनाने का है 6%, वो आ जाएगा आपका 3740, ठीक है, इस 3740 का क्या, अब इस 3740 के लिए कहीं उसने कह रखा हुआ है, देखिए दोबारा से वैल्यू जो किया कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद इसने फिगर बोला है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हरकत हुई है ये किसके जाने के बाद हुई है, हमारे जो रिटायरिंग पार्टनर था उसके जाने के बाद हुई है, तो अगर आप इसका रेशियो करके निकालेंगे 3/5 2/5 इज द न्यू रेशियो, इसको जब आप निकालेंगे कैलकुलेट करके तो आपका अमाउंट आ जाएगा विल बी 2244 and 1496, तो ये भैया कौन झेलने वाले हैं, ये हमारे श्रीमान ए, श्रीमान बी और सी झेलेंगे जो नए बैड डेट का प्रोविजन बनाया है, दैट विल बी 2244 and it is 1496, ठीक है। अब देखो, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा, अब जितना भी बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या, ये पॉइंट कुछ लिखा हुआ है पेमेंट कैसे करनी है बंदे को, क्वेश्चन में मुझे ऐसा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा, तो भाई सीधी सी बात है अगर कोई पॉइंट नहीं दिख रहा और बैंक से पेमेंट तो करने से रही है, तो जब कुछ ना बोले तो उठा के लोन अकाउंट बना देना उसका, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, आप इधर साइड का टोटल लेंगे तो अपने आप समझ आएगा किसका कम है किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इधर साइड का मैं टोटल देखता हूँ तो दैट विल बी 163669,
इसका आ जाएगा आपका 115451 एंड दिस वन लास्ट वन इज 77501। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी डिफरेंस आएगा इसको इससे आप माइनस करेंगे तो दैट विल बी अमाउंटिंग टू 132760। तो ये इनका लोन अकाउंट खड़ा हो जाएगा और बाकी जितना भी बैलेंस बचा हुआ है वो किसका चला जाएगा, वो आपका हो जाएगा अमाउंट विल बी द बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेट, एक एंट्री में भूल गया, एक एंट्री भूल गया, ये जो आपकी गुडविल वाली एंट्री थी जो इन्होंने पेमेंट करी थी, ठीक है, वो इनके खाते से माइनस भी तो होगी जो ए इनसे ले रहा है, ठीक है, किसके खाते से, बी और सी के खाते से। मैंने यहाँ इसकी एंट्री तो दिखा दी थी इसके खाते में क्रेडिट करने की, पर इन लोगों के खाते में डेबिट करने की एंट्री मिस हो गई थी। ठीक है, ये एंट्री हो गई, अब आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, दिस विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल जो अपने बी और सी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट इज 69237 एंड 47393। अमाउंट थोड़ा सा मिसमैच हुआ बट मैं अमाउंट दोबारा बता दे रहा हूँ, 69237 एंड 47393। ठीक है, ये बैलेंस आ गया, दिस इज़ योर पार्टनर्स कैपिटल। तो अब जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद आप कंटिन्यूस जनरल एंट्री में दो एंट्रियाँ, तीन एंट्रियाँ मैंने बोली थी और होंगी, ठीक है, वो एंट्रीज एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्रियाँ आपकी बची हुई हैं। एक तो एस कैपिटल अकाउंट जो आपका बनना था, ठीक है, ए के कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसा जाना था, लोन अकाउंट खड़ा करना था, मैं उसके नाम से एस लोन अकाउंट खड़ा कर दिया भैया हमने, कितने अमाउंट से खड़ा करना है, ठीक, इट इज़ 132760 जो भी मैंने बैलेंस निकाला था। ठीक है, एक एंट्री और होगी किस चीज़ की, जो प्रोविजन आपने नया बनाया वो कौन पे करने वाला है भैया, बी और सी कैपिटल। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना सोच लेना इस एंट्री को, क्यों, क्योंकि उसने ये बोला है रिटायरमेंट सब कुछ हो गया चला गया उसके बाद का कि प्रोविजन 6% से और बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये कौन बियर करने वाला है, ये अमाउंट कौन बियर करने वाला है, दैट अमाउंट इज बॉर्न बाई हमारे बी और सी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करना बताई दिया इस चीज़ में, अमाउंट विल बी शेयर्ड बाई देम एज देयर रेशियो, वॉट न्यू रेशियो इज 3:2 एंड लास्ट वन इज जो भैया बी को गुडविल की पेमेंट हो रही है, दैट इज बी कैपिटल अकाउंट से और सी के कैपिटल अकाउंट से 2 ए का कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की पेमेंट हो रही है। गुडविल कितनी निकली, 15491, जिसमें से रेशियो क्या है इनके अपने गेनिंग रेशियो से ये लोग अपना पेमेंट करेंगे, सेक्रीफाइस तो हमारा ए कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन फॉर अ रिटायरमेंट पर्सन, और भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, द स्टूडेंट्स उनके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ एक और क्वेश्चन कराने की। अब जैसे एक ये क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये से खड़ा था, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बना के मैंने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। अब हुआ क्या, हर साल हम मान लेते हैं फिक्स अमाउंट 7,500 रुपये का मैं ट्रांसफर करना है उसके कैपिटल में, तो भैया 7,500 रुपये का वो अमाउंट और 30,000 रुपये इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, वो आएगा 1,800 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ, 9,300 रुपये। बैलेंस देखिए, ध्यान से देखिए, बैलेंस कितना दिखा रहा, 30,000 माइनस 7,500 22,500 बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। अब देखिए 22,500 में 6% इंटरेस्ट फिर से लगा, कितना अमाउंट आया 13,500 और इधर 7,500 प्लस 1,350 रुपये, ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट था। माइनस देखिए, फिर पूरा अमाउंट नहीं हो रहा, सिर्फ कितना माइनस हो रहा, 7,500। द प्रिंसिपल अमाउंट इज डिडक्टिंग ओनली, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस नहीं हो रहा उस टोटल अमाउंट से, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी इसमें ब्याज मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन जरूर नोटेबल होगा, आपका 30,000 रुपये कैपिटल का बैलेंस है और बाकी ये पॉइंट है।